प्रदेश में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा का अगले 3 दिन तक आयोजन होगा। इसी बीच परीक्षार्थी एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और इनको काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी हम मौजूद है नारायण सिंह सर्किल पर, जहां पर सैकड़ों युवा जो सीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की प्रयास करेंगे कि कब से वो इस परीक्षा के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जिनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सीईटी की एग्जाम देने जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हैं और कहाँ सेंटर आए हैं आप? हम गंगापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारा सवाईमाधोपुर सेंटर आया हुआ है। सवाईमाधोपुर हमारा सेंटर आया हुआ है और हम यहीं पे रहते हैं जयपुर पे। कब से यहाँ खड़े हैं हम? आधे घंटा हो गए हमें यहाँ खड़े हुए। कल कितने बजे परीक्षा? कल मेरी सुबह 9 बजे से है। क्या बसें नहीं आ रही? नहीं, अब खड़े हैं, देखते हैं बस का तो इंतजार करें। 1:20 का टाइम बताया है बस का। 1:20 का टाइम है। सरकार दावा कर रही है कि निशुल्क बसें परीक्षार्थियों के लिए भेजी जा रही है, क्या मिल रही है आपको बस? अभी तो जा रहे हैं, पता चलेगा। ग्रेजुएट लेवल पे तो मिली थी हमको। आप कहाँ से आए? हम भी जयपुर से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं परीक्षा? सवाईमाधोपुर। कब से खड़े हैं? हम वही आधे घंटा लगभग हो गई। एग्जाम कब आप? कल 9 बजे से स्टार्ट है, आज एंट्री गेट बंद हो जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट गंगापुर सिटी पड़ता है। जयपुर में तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जयपुर में तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं डायरेक्ट। कल मॉर्निंग का टाइम है इस चक्कर में। कब से खड़े हैं? आधी पौने घंटे के लगभग हो गए। जो सरकार ने बसें निःशुल्क लागू की है, क्या उसका फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, ग्रेजुएट लेवल पे मिला था। ग्रेजुएट लेवल पे जो रोडवेज बसें थी वो फ्री मिली थी, इस बार भी फ्री है। बाकी अब 1:20 का टाइम बताया, तो उसी टाइम पे जाएंगे तो मिल जाएगी आपको बस। हाँ, बस मिल जाएगी। आप कहाँ जा रहे हैं? भरतपुर। कितनी देर से खड़े हैं? हाँ, 1 घंटा हो गया। बस ही नहीं मिल रही है? मिल तो रही है, बस तो अभी गई है। परीक्षा कब आप? 24 को मेरी तो। क्या कितने बजे? 3 बजे से। देखिए, तमाम वे युवा हैं जो लगातार कहीं ना कहीं एग्जाम देते रहते हैं और आज इनका सीईटी परीक्षा का एग्जाम है, जिसको लेकर ये यहाँ पर बसों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी वो हैं जो अपनी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।